दादा विश्व किशोर एक बड़ा अमूल्य रत्न है बाबा का, जिसका योगदान हम तो कभी भुला नहीं सकते हैं। हम तो ये कहेंगे कि बाबा के परिवार का तो एक हिस्सा ही है और एक बड़ा मुख्य हिस्सा रहा, चाहे बाबा के बड़े भाई का बेटा था, लेकिन जैसे ही बाबा ने उनको लिखा, जैसे ही एंटी ओम मंडली का ये जो घमसान शुरू हुआ, जिसके कारण हम लोग हैदराबाद से छोड़ के कराची चले गए थे और बाबा के ऊपर कई प्रकार के केसेस वगैरह परेशान करने के लिए ये आंदोलन चला था, जिसका आपने काफी अच्छी तरह से अपने बुक्स वगैरह में से पूरी जानकारी आपको मिली है, तब बाबा ने उनको लिखा कि बाबा ने ही तुम्हारे को बनाया है, आज बाबा को तुम्हारी बहुत जरूरत है। पत्र पहुंचते ही अपना सब कारोबार अपने भाई को दिया, जानते हुए भी कि वो सफल नहीं होंगे, फिर भी बाबा का बुलावा, ऐसा उनको जैसा भगवान का बुलावा आया, वो गाड़ी में बैठ गए, जो उनको लेने का था ले लिया, बाकी सब अपने भाई को दे दिया। आंदोलन के बाद हम लोग शिफ्ट हुए कराची, विद्रोही ने कुछ केसेस वगैरह हैदराबाद सिंध सेशन कोर्ट में किए थे और वो ये चाहते थे कि बाबा को कोर्ट वगैरह के सामने हम लोग लाए, क्या उनका प्रोग्राम था। बाबा कराची में रहते थे, पूरा परिवार बाबा के साथ ही रहते थे। उसकी विशेषता मैं आपको बताता हूँ, इसको मालूम पड़ा कि बाबा के खिलाफ हैदराबाद सिंध की सेशन कोर्ट ने वारंट जारी किया है बाबा को अरेस्ट करने के लिए। ये सीधा पहुंच गया हैदराबाद सिंध, वहां से टेलीफोन किया, मैंने उठाया, बोला कि 10:30 बजे वारंट लेके घर पे पहुंचेंगे, मतलब क्लिफ्टन जहां बाबा रहते थे, क्लिफ्टन पहुंचेंगे, उनको अंदर घुसने नहीं देना, वो वापस जाएंगे कराची हाई कोर्ट, मैं आपको उसकी जो कला है और दूरंदेशी है उसकी कुछ झलक देता हूँ, बता रहा हूँ। जाते जाते उनको 12:30 बज जाएगा और वहाँ से उनको पुलिस की मदद की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ से हाई कोर्ट से वो परवाना लेके पुलिस की मदद के लिए पुलिस में जाएंगे, इतना समय लगेगा, 3:30 बजे वापस वो क्लिफ्टन आएंगे, फिर भी रोक ठाक करना बस। दादा हैदराबाद सिंध से निकले और 3:30 बजे जैसा मेरे को प्रोग्राम उन्होंने बताया, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड, 3:30 बजे वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने स्टे और उनके सामने रख दिया, ये जो मुश्किल थी वो टल गई। इस तरीके के दादा के अनेक विचित्र कार्य हैं और दादा का खास हम लोग की दीदी आदरणीय मनमोहिनी दादी, प्रकाशमणि दादी, बहुत आदर करते थे बड़ा भाई के यार। इसके मैं आपको और भी बताऊं कि 48 में आफ्टर पार्टीशन हम लोग तो फिर भी ये समझे कि पाकिस्तान में ही थे, काफी बारिश पड़ी थी, बहुत भयंकर बारिश पड़ी थी और हम लोग कुछ 300-350 आपस में रहते थे कराची में, तो हम लोग को अपना साबुन तेल और भी बहुत सी जरूरतें जो पड़ती थी तो हम लोग खरीदते थे। तो दादा को जब बाजार से मार्केट से मालूम पड़ा कि भाई माल की शार्टेज है, बारिश की वजह से फ्लडिंग वगैरह में कुछ सप्लाई वगैरह बंद हो गया है, तो ये सीधा कंपनी में चला गया। वहां का जो जनरल मैनेजर था उससे बैठा, बातचीत किया, तो उसने बोला कि भाई ठीक है, बात ऐसी हो गई है कि हम लोग के जो वेयर हाउसेस वगैरह है उसके अंदर पानी घुस गया है और जितना भी सामान है उसके अंदर रैपर्स वगैरह जो पैकिंग वगैरह काफी खराब हो चुकी है, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इसका क्या करें, वापस इंग्लैंड भेजें रीपैकिंग के लिए, भेज तो नहीं सकते हैं क्योंकि गुडविल है, ब्रांड है, नेम है, और वही दादा को मांगता था कि वो अपने मुख से बोले कि भाई ये बात है। तो दादा ने उनको सजेस्ट किया कि भाई आप जो सोच रहे हैं बहुत दूरंदेशी और अच्छी तरह से सोच रहे हैं, लेकिन इसका समाधान अगर जो आप इंग्लैंड भेजेंगे तो भी हो सकता है कि जो
इनसाइड जो मटेरियल है उसके अंदर भी तो कुछ दाग वगैरह हो सकता है, और वहां जाए वहां से पैकिंग हो जाए। मेरा तो सजेशन ये है, और बाजार में आप बेच भी नहीं सकते हैं, मेरा तो सजेशन ये है कि आप उसको ये हम लोग खरीद लें आपसे। हम लोग दुकानदार तो नहीं है, ये तो कंजम्पशन के लिए ही जाएगा। कुछ माल उनका कोई अढ़ाई लाख रुपएगा, आज का भाव नहीं कह रहा हूँ, उस टाइम का जब वो साबुन की कीमत एक आना मुश्किल से होगी। वो लक्स टॉयलेट सोप, अमोली सोप, कैडम सोप, फ्रेंच सोप, ये इस चीज होगी। तो दादा ने उसको बोला कि देखो ये धार्मिक संस्था है और हम लोग कोई भी चीज बेचेंगे नहीं, तो हम लोग अपना पर्सनल कंजम्पशन ले लेंगे, तो यूं समझो कि एक मटेरियल लॉस हुआ आपका, ऐसे पैकिंग कराने में आपका खर्चा तो होगा ही। तो उनको ये बात समझ में आई, दो तीन ट्रक लोड कुल सौदा किया 5,000 रुपए में, 2.5 लाख रुपए का माल 5,000 में सौदा किया। और जब हम लोग यहाँ आए, इतना माल था 48, हम लोग यहाँ 50 में आए हैं, तो एक एक के पास 12-12 सोप्स साथ में हम लोग लेके, तो मतलब उसके बहुत योगदान और बहुत शुरू थे। और उसकी तो अगर जो कहानी करने को जाए तो 2-3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि इसका बहुत जो विचित्र कार्य जो उन्होंने किए हैं वो गायन योग्य है, तो उसके लिए हम लोग के पास इतना समय नहीं है। सिर्फ पांडव भवन कैसे लिया है वो बता दीजिए। ऐसे प्रकार के नागराज भाई बहुत से विचित्र रूप से उन्होंने अपना योगदान दिया है। ये पांडव भवन की अगर जो आपने बात छेड़ी है तो मैं आपको बताऊं कि बाबा ने उसको अपनी मन की आशा बताई कि ये पोकरान हाउस के नाम से माना जाता था, तो ये हम लोग खरीद ले। बाबा तो त्रिकालदर्शी था, आज को भी जानते थे, वर्तमान समय तो उनके नजर के सामने था, अब भविष्य को भी जानते थे। उनकी इच्छा ये हुई कि हम लोग ये खरीद ले। हम लोग 650 रुपया साल का किराया इसका भरते थे। जो टोटल एरिया है वो 1.75 एकर्स है, 1.25 एकड़। उस समय अबू के जो भी किराए वगैरह पे जगह होती थी वो साल के हिसाब से होती थी, कुछ भाव नहीं था। तभी तो बाबा को संकल्प उठा और दादा को बोला कि देखो इसका सौदा कर लो। निश्चय बुद्धि की बात बताता हूँ कि कितना निश्चय बुद्धि और अपना स्वयं एक सफलता का जो उनको वरदान भी मिला था और उसका बल भी था, तो पॉजिटिव थिंकिंग उसने 10,000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाया ठाकुर के नाम पे, जिसके नाम पे जगह है, यहाँ से एक माउंट अबू, वहां से एक विटनेस लिया, अजमेर गया, वहां से एडवोकेट उठाया, और जहां ये ठाकुर रहते थे यहां से अबाउट 250 to 300 माइल्स अवे, तो वहां पहुंच गया, मिला उससे, जो भी हिसाब किताब देने करने का था दिया, ऐसी वैसे बात की कि ठाकुर साहब ये पोकरण हाउस से आपको कुछ लाभ मिलता है, आमदनी है? मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है, बुजुर्ग की प्रॉपर्टी पड़ी है। तो दादा ने उसको पूरा उसका पोस्टमार्टम करके उसको बताया कि देखिए हम आपको 650 रुपया देते हैं, उसमें से आप अबू म्यूनिसिपल टैक्स भरते हैं, वाटर टैक्स भरते हैं, फोगी है, फोगी का मतलब संभालने वाला जो बगीचा वगैरह माली वगैरह, उसको आप पगार देते हैं 35 की 45 रुपया। मेरे हिसाब से आपके जेब से कम 100-150 रुपया जरूर जाता होगा। तो उसने सोचा कि हिसाब से जो बराबर है तो जो बोलता है तो ठीक बोलता है, बोले करे क्या, उसको खाली पड़ी रहती है, कोई लेने वाला तो है नहीं, तो हम लोग ले लेते हैं। अगर जो 650 के हिसाब से अगर जो आपको 650 से ऊपर ही हाथ में मिल जाए तो मैं समझता हूँ सौदा अच्छा रहेगा। मतलब उसको कई तरीके से उनको कन्विंस करके उसने भी हिसाब लगाया कि ये जो बात बोलता है वो सही बोलता है, और उसको बोला कि 18,000 रुपये हम आपको इसका दे देंगे। 10,000 रुपये का ड्राफ्ट सामने दे दिया, और कागजात पहले ही उन्होंने बना दिया था कि ये सौदा तो होने का ही है, क्योंकि बाबा का संकल्प उठा है तो निष्फल हो ये असंभव है। तो इसके लिए उन्होंने सब पूरा बंदोबस्त यहां से करके विटनेस यहां का लिया, वकील अजमेर से किया, और सारे मतलब 250-300 मील यहां से जाके उनको कन्विंस किया। वो जो सेल डीड वगैरह डॉक्यूमेंट जो भी बनाने का है वो बनाया हुआ था, उसके ऊपर उसका सिग्नेचर लिया। 10,000 रुपया पहला एज अ टोकन मनी, बैलेंस 8,000 रुपया अपने को भेजने का।
उसने ये सौदा किया, हो गया, दादा वापस चले गए। अब छोटे गांव के अंदर तो कलेक्टर होता है या मजिस्ट्रेट होता है या जो भी बड़े आदमियों के चार पांच यार दोस्त तो होते ही है। रात को बैठे अपना छोटी मोटी महफिल लगाई, तब बोले मैंने पोकर हाउस बेच दिया। स्वाभाविक है, तो उसके जो यार दोस्त पूछे कि भाई कितने में भेजा, बोला 18,000 रुपया। मैं मेरे को पूरा समझाया कि मैं तो मूर्ख था, हमारी जेब से हर साल 100-200 रुपया जाता ही था, 18,000 रुपये में सौदा हो गया। तो मैंने साइन करके सब खत्म कर दिया, पैसा भी भेज दिया, बाकी आने का है। उसके दोस्त ने बोला है कि तू क्या सुबह को भी चढ़ाता है क्या, 50,000 की प्रॉपर्टी तुमने 18,000 रुपये में बेच दी। मेरे को क्या मालूम, मेरे को तो बताया कि मेरे जेब से 100-200 रुपये जाता ही हर साल। अब उस मतलब आपस में जो यार दोस्त थे उसमें एक मैजिस्ट्रेट भी था, भाई क्या कर सकते हैं। उसने अपने एग्रीमेंट उसको बताई, बोला कि यार जिस तरीके से एग्रीमेंट बनी है, अगर तुम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा ना तो जीतने का चांस नहीं है। मैं खाली आप तुम्हारी एक मदद कर रहा हूँ ऐसे दोस्ती के नाते कि मैं इसको रख रहा हूँ, आता है जाता है, तारीख देता जाऊंगा, तंग हो जाएगा, कुछ हो सके तो हो सकता है। 3.5 साल तक दादा आते हैं जाते हैं, तारीख दे दे भाई, ठीक है 2 महीने के बाद आना, ऐसे 3.5 साल निकाल दिए। आखिर में केस का फैसला तो होना ही चाहिए ना, तो उसने सजेस्ट किया कि आउट ऑफ कोर्ट आपस में मिलकर कुछ फैसला कर दो। दादा ने बोला हम तो तैयार है, तो ठाकुर ने बोला कि 4,000 रुपया मेरे को ऊपर से और भी दे दो। दादा ने बोला 3,000 रुपया, ठीक है सौदा हुआ। वो भी एग्रीमेंट बनी कि भाई फुल एंड फाइनल पेमेंट 3,000 रुपये दे के मामला खत्म हो गया। उसने ड्राफ्ट डिपॉजिट नहीं किया था, ड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग था। अब दैट इज अपने को तो कोई इसके अंदर एडवांटेज नहीं हुआ और ना तो उसको लाभ मिला, वो तो ऐसे ही सस्पेंडेड अमाउंट था, किसी को लाभ नहीं। तो बाद में बोला कि ठीक है अभी सब कुछ हो गया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, आप हमारे को 3,000 रुपये और देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अभी 4 साल का जो भाड़ा है वो, बोला अभी तो आपने साइन किया है कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 3,000 रुपये लेता हूँ और ये मामला फैसला हो गया, फिर आप दोबारा ये कैसे मांगते हो। उसने बोला भाई माफ करना, आप जैसे व्यक्ति से बहुत मुश्किल है। तो ये जो मधुबन का इस छोटी रकम में बाबा ने बच्चों के लिए ली थी, बातें तो बताते जाए कमी नहीं पड़ेगी। इसके बाद इसका जो लास्ट आयु बड़ी थी और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। इसने तैयारी की, कल ऑपरेशन होने का है, संकल्प चला उसका, डॉक्टर को बोला कि कल की तारीख कैंसिल करो, दूसरी तारीख मैं बताऊंगा। ठीक है कैंसिल तो कैंसिल। ऑपरेशन उसका हरकिशनदास हॉस्पिटल बॉम्बे में होने का था, तो चले आए वापस। बापा को बताया कि बाबा मेरे को संकल्प चलाया और रमेश भाई से बात किया कि बाबा को कोई भी तरीके से कष्ट ना हो या कोई ऐसे सरकारी प्रॉब्लम्स हो या लीगल प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी हो टैक्सेस वगैरह का, ये नहीं पड़े, तो ये ट्रस्ट बना लो। दादा रमेश ये दोनों मिलके ट्रस्ट वगैरह का सब रजिस्टर किया। 3 महीने के बाद आए बॉम्बे, डॉक्टर को बोला अभी हम तैयार है, भले तैयारी। बात ये थी कि दादा विश्व किशोर ने डॉक्टर को साफ मना कर दिया कि अगर जो खून की कमी रहे तो मेरे को अशुद्ध व्यक्ति का किसी हालत में खून मत देना। ये जो इनको एक संकल्प आया, ये बाबा के अंदर जो उसका जो प्यार, बाबा को किसी हालत में किसी भी बात की तकलीफ ना हो, ये इंट्यूशन, ये संकल्प, उसके कारण इसने पहला अपना ऑपरेशन रोका। रमेश भाई को साथ में लेके इसने ट्रस्ट बनाया और बाबा ने कहा कि बाबा त्रिकालदर्शी है, ट्रस्टी रमेश दादा ही बनेगा। रमेश दादा ने इतराज किया कि हमारे बड़े बैठे हैं, अपना आदरणीय जगदीश भाई, बाबा ने उनको बोला कि बाबा त्रिकालदर्शी है और आपको मैनेजिंग ट्रस्टी बाबा नियुक्त करता है। उसके बाद 3 महीने के बाद ऑपरेशन हुआ, जिस बात का ऑपरेशन हुआ वो सक्सेसफुल, लेकिन फिर ये दूसरा एक कारण बन गया
आपको खाली यही बताने का था कितने दूरांदेशी से बाबा की सेवा की, बाबा की सेहत का भी इतना उसको मॉनिटरिंग करते रहते थे और हर कदम पे बाबा को जिस तरीके से दादा ने फॉलो किया है बहुत कम व्यक्तियां हैं जिन्होंने किया।